स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को स्थान ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग, माता का नाम इसोबेल हॉकिंग, नागरिकता इंग्लैंड। उनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। उनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 को हुआ था। वे थियोरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उनके माता पिता का घर उत्तरी लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगे। स्टीफन हॉकिंग के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्यरत थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और उनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड उनका गोद लिया हुआ बच्चा था। स्टीफन हॉकिंग की शिक्षा। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में जाकर रहने लगे। वहां के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां पर उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त उन्होंने उस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त उनकी आयु महज 17 वर्ष का था। बचपन में इन्हें आइंस्टाइन के नाम से भी पुकारा जाता था। हालांकि हॉकिंग को गणित में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वे इस विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा था। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल DAMTP में उन्होंने ब्रह्मांड साइंस अनुसंधान किया। साल 1963 में खराब हुई सेहत। हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन 1963 में उनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष में स्टीफन की ज़्यादा बिगड़ती हालात देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पता चला कि हॉकिंग को एमियोट्रॉपिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है। जिस वक्त हॉकिंग को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की उपाधि हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स था। इन्होंने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट भी दिया था। स्टीफन की पत्नी। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और उनके नाम रॉबर्ट, लूसी और टिमोथियस है। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और स्टीफन ने तलाक ले लिया था।
तलाक लेने के बाद हॉकिन ने इलाइन मैसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2006 तक चली थी। स्टीफन का करियर। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी स्टीफन इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। इन्होंने साल 1972 DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता के रूप में सेवाएं दी और इस दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लॉ स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में SAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और उस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिन को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिन के पास कुल 13 मानद उपलब्धियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कारों की जानकारी आप अभी जानेंगे। 1966 में स्टीफन हॉकिन को एडम्स पुरस्कार दिया गया था, 1975 में एडिंगटन पदक, 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था, 1976 में ही हाइनमैन प्राइज से नवाजा गया, 1978 में अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल से नवाजा गया, 1985 में गोल्ड मेडल ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल अवार्ड भी दिया गया था। 1987 में डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ प्राइज भी दिया गया था, 1989 में प्रिंस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिन ने अपने नाम किया, 1998 में इन्होंने एंड्रयू जेमेंट अवार्ड, 1999 में नाइल और पुरस्कार भी हासिल किया। शताब्दी के बाद स्टीफन को मिले पुरस्कार। 2006 में कॉपले मेडल, 2009 में प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, 2012 में फंडामेंटल फिजिकल प्राइज, 2015 में BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड भी दिया गया था। सारे मेडल का इंग्लिश वर्जन अभी दिया जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिन द्वारा किए गए कार्य। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिन ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिन ने अपने साथी रोजर पेनरोस के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुई है और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिन ने ये भी निर्धारण किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। स्टीफन हॉकिन द्वारा लिखी गई किताबें। स्टीफन हॉकिन ने अपने जीवन काल में कई किताबें भी लिखी हैं और उनकी ये किताबें अंतरिक्ष के विषय में लिखी गई हैं। उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में अभी आप जानेंगे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
हॉकिन द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। यह किताब बिग बैन और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई। ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स, ये किताब साल 1993 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में हॉकिन द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। इसके अलावा हॉकिन ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम जॉर्ज एंड द बिग बैन था और यह किताब 2011 में आई थी। द ग्रैंड डिजाइन, हॉकिन द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिजाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां दी गई थी। ये किताब भी काफ़ी सफल साबित हुई थी। स्टीफन हॉकिन द्वारा लिखी गई कुछ और भी किताबें, स्टीफन के जीवन पर बनी फिल्म, साल 2014 में इन पर एक मूवी भी बना है जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से हॉकिन ने अपने सपनों को पूरा किया था। स्टीफन की मृत्यु, हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के कई साल व्हीलचेयर पर ही बिता दिया। वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदा ले ली। स्टीफन के कथन, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के सामने खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। जब गैलीलियो गैलीली का निधन 8 जनवरी 1642 को हुआ था, ठीक उसी दिन 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिन का जन्म हुआ था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था, ठीक उसी दिन 139 साल बाद 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिन का निधन हुआ था। क्या आप जानते हैं कि बचपन में स्टीफन हॉकिन को आइंस्टीन भी कहा जाता था? इतनी ख्याति होने पर भी स्टीफन को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला।